जेपी नड्डा राजनाथ सिंह आज आए और आपकी जो गठबंधन है उसको भ्रष्टाचारी बताया। ये तो दुनिया को सब पता चल गया भ्रष्टाचारी कौन है। 16,000 करोड़ रुपया आप समझिए कि जनता का पैसा 16,000 करोड़ रुपया बड़े बड़े उद्योगपति से चंदा के रूप में लिया, और वो भी कैसे, पहले उनको धंधा दिए, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिए, उसके बदले में करोड़ों करोड़ रुपया लिए, उसके बाद जो नहीं दे रहे थे उसको ईडी सीबीआई का नोटिस भेजकर 16,000 करोड़ रुपया उगाही किए, और वही पैसा से देश का बनी हुई सरकार को गिरा देते हैं, राज्य में हमारी बनी हुई सरकार गिरा देते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं। तो ये लोकतंत्र बचा नहीं रहे। आप देखिए कि किस तरीके से वैक्सीन कंपनी जो कोरोना काल में था, ऐसे महामारी के टाइम में उनको काम देकर उनसे चंदा कितना पैसा लिया गया। तो ये सारे चीजें दुनिया को पता है। अभी इनके झांसे में कोई नहीं आने वाला है। मजबूती से हम लोग इंडिया गठबंधन वाले मजबूती से हम लोग जनता की आवाज बनके, युवा का आवाज बनके, हम लोग किसान का आवाज बनके लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार घूम कह रहे हैं कि 2025 से पहले हम 10 लाख नौकरी देंगे, 5 लाख हमने ही दिया है। देखिए ये भी आप देख लीजिए कि वो आज से मुख्यमंत्री तो नहीं है, 17 साल से मुख्यमंत्री, 18 साल में आपने, इससे पहले भी आपको मौका मिला आपने कहां दिया, और जब तेजस्वी जी के साथ आए तभी आप नौकरी बांटे, और नौकरी देने का वादा किसने किया था, तेजस्वी जी ने किया था। और निश्चित तौर पे आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, किसी पर कोई मेहरबानी नहीं कीजिएगा, नौकरी दीजिएगा तो अच्छी बात है और दीजिए, देना चाहिए। और आप तो आप है बिहार राज्य का, आप भारत सरकार को कहिए कि ज्यादा से ज्यादा नौकरी देने के लिए, जो मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया, वो मोदी जी से आप आग्रह कीजिए कि जल्द से जल्द नौकरी देने के लिए। चौधरी ने राहुल गांधी का तारीफ किया, पीएम मोदी करेगा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीती है तो पाकिस्तान खुशी होगा, ऐसे खुशी मनाएगा। देखिए वो सबके पास फालतू बात है, क्या बात है अभी बताइए, ये सब बात बोलने की चीज है, भला यहाँ हम जीतेंगे वो क्यों खुश होगा, और जिनको खुश होना हो हमको क्या लेना देना है। तो पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मुसलमान, हिंदू, यही सब बचा है इन लोगों के पास, और कुछ नहीं है।